इधर मध्य प्रदेश में सरकार की नीतियों के खिलाफ अगस्त क्रांति की तर्ज पर एमपी कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। पूरे महीने में कांग्रेस बैक टू बैक आंदोलन करेगी। कांग्रेस इस महीने सियासत के बड़े पावर सेंटर्स में शक्ति प्रदर्शन करेगी। आज निगम भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदौर में, इसके बाद 9 अगस्त को लहार, 13 को जैन और 30 अगस्त को यूथ कांग्रेस का युवा क्रांति आंदोलन भोपाल में होगा। इन आंदोलनों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल रहेंगे। पूरे महीने कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज, कानून व्यवस्था, महंगाई, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई सहित युवा, किसान और महिलाओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। इधर कांग्रेस की अगस्त क्रांति को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब अंग्रेज देश में काबिज थे उस समय अगस्त क्रांति जो हुई थी उस से प्रेरित होकर के हम अगस्त क्रांति लेकर आई है कांग्रेस। और ये इसकी शुरुआत इसकी ग्वालियर चंबल संभाग से होगी और ये कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, इस देश में जब भी क्रांति का शब्द का नाम आता है तो जनमानस में एक भावना आती है, मंगल पांडे की क्रांति, लक्ष्मीबाई की क्रांति, महात्मा गांधी की क्रांति। अब क्रांति नाम से किस प्रकार से देश को ठगोगे? ये ठग लोग जिन्होंने हमेशा क्रांतिकारियों का अपमान किया, आतंकी बताया, आज वो क्रांति की बात कर रहे हैं।